हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आज फिर से आप सभी लोग बीच एक नंबर के साथ आया हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं हमारे स्टडीपी चैनल में। मैं आप लोग बताता हूं आज की वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी जो है EPIL के द्वारा निकाला गया है। मैं इसका फुल फॉर्म बता दूं तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। साथ ही साथ मैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आपने BE, BTEC, MBA, MCA और CA ये सब अगर किया है आपने, साथ साथ LLB भी आपने किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल हो। और दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे स्टडीपी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन घंटे को भी दबा लो ताकि आपको नए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो के अपडेट आपको मोबाइल पे जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं तो इसमें जो सैलरी आप लोगों को मिलने वाला है 30,000 से लेकर 70,000 तक का पर महीने आपको सैलरी मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरेंगे, इन सभी चीज को हम लोग फुल डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, यहाँ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को नेम ऑफ पोस्ट के बारे में बताता हूँ, कहाँ पे आपका लोकेशन होना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, इन सभी चीज को हम लोग फुल डिटेल में आगे जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहला जो पोस्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंजीनियर मैकेनिकल के लिए है, इसमें जो टोटल वैकेंसी है एक ही सीट इसमें दिया गया है। जो लोग भी बीई बीटेक किए हो 55% मार्क्स होना चाहिए आपका, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और इसमें आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और एज लिमिट की मैं बात करूँ तो आपका 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आप लोग इसमें देख सकते हो कि आपको पर मंथ कितना पैसा मिलने वाला है, तो 30,000 आपका पर मंथ रहेगा, प्लस में एप्लीकेबल हाउस रेंट और अलाउंसेज ये सब आपको इसमें ऐड रहेगा। तो लगभग आपको 35,000 से 40,000 रुपए महीने मिलेंगे इसमें। और जो आपका लोकेशन होने वाला है वो है दिल्ली नॉर्दर्न रीजन ऑफिस में आपका लोकेशन होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सेकंड जो पोस्ट आता है वो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे सिविल वालों के लिए है। जो लोग भी बीई बीटेक सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से किए हो 55% मार्क्स के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और इसमें जो आपका मिनिमम जो एक्सपीरियंस रखा गया है 1 साल रखा गया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इसमें जो आपका पर एनम पैसा जो मिलने वाला है 3,60,000 रुपए आपको पर ईयर मिलने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका जो सैलरी होगा पर मंथ वो 40,000 पर मंथ होगा, प्लस में हाउस रेंट और अलाउंसेज ये सब आपका होगा। तो 45,000 से 50,000 रुपए आपको इसमें मिलने वाला है। और टोटल वैकेंसी जो है 60 वैकेंसी है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जो लोग भी सिविल से अप्लाई करोगे उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि उन लोगों का लोकेशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप अपना यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो, जो कि यही लोकेशन आप लोगों को मिलने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का मैकेनिकल वालों के लिए पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और जो आपका लोकेशन होने वाला है इन सभी लोकेशन, अगर आपने बीई बीटेक मैकेनिकल ब्रांच से किया है 55% मार्क्स का, तो आपका जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और आपका जॉब लोकेशन इन सभी स्टेट में होने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो लोग भी असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे अगर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करोगे तो उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा सेम ही रहेगा, बी बीटेक और 55% मार्क्स होना चाहिए। और आपका जो जॉब लोकेशन पढ़ने वाला है इन सभी स्टेट में पढ़ने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए, यहाँ पे 10 सीट यहाँ पे निकाला गया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। और जो आपका जॉब लोकेशन होने वाला है इन सभी स्टेट में आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। साथ ही साथ मैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आपने CA, ICWA और MBA किया है 55% मार्क्स सीखा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर अगर आपने LLB किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो आपका जॉब लोकेशन होगा तमिलनाडु चेन्नई में होगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें अगर आपने LLB किया है 55% मार्क्स सीखा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैनेजर ग्रेड सेकंड का पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, जो कि टोटल जो वैकेंसी है इसमें 26 वैकेंसी निकाला गया है। तो जो लोग भी मैनेजर सिविल से अप्लाई करोगे
तो यहाँ पे 15 सीट उन लोगों के लिए है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और जो आपका जॉब लोकेशन होने वाला है, इन सभी स्टेट में आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। साथ ही साथ मैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तो अगर आपने बीई बीटेक किया है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से 55% मार्क्स था, तो आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और इसमें जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का, कम से कम आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। और इसमें जो आपका सालाना बनने वाला है 4,80,000 रुपया बनने वाला है, और जो आपका पर मंथ सैलरी बनने वाला है 50,000 रुपया बनने वाला है, प्लस में हाउस रेंट और अलाउंसेज ये सब मिलेगा, तो 55 से 60,000 रुपया इसमें भी आपको अच्छे खासे पर मंथ मिलने वाले हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मैकेनिकल मैनेजर के पोस्ट के लिए है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और जो आपका यहाँ पे जॉब लोकेशन होने वाला है, इन सभी स्टेट में आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। साथ ही साथ एजुकेशन जो है सेम रहेगा, बी बीटेक अगर आपने मैकेनिकल से किया 55% मार्क्स का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैनेजर पोस्ट है, अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो इन सभी स्टेट में आपका जॉब लोकेशन पड़ने वाला है। अगर आपने बी बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, 55% मार्क्स होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैनेजर पोस्ट के लिए आर्किटेक्चर के लिए है, तो यहाँ पे देख सकते हो, और इसका जो जॉब लोकेशन होने वाला है कर्नाटका होने वाला है। तो साथ ही साथ मैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ, तो अगर आपने बैचलर डिग्री किया है आर्किटेक्चर से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, 55% मार्क्स आपका इसमें भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैनेजर पोस्ट के लिए फाइनेंस के लिए यहाँ पे है, तो इसमें जो आपका लोकेशन पड़ने वाला है न्यू दिल्ली है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है CA ICWA MBA, अगर आपने किया 55% मार्क्स का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और इसमें जो टोटल वैकेंसी है 6 सीट है, तो यहाँ पे सिविल वालों के लिए है, सीनियर मैनेजर सिविल के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इन सभी स्टेट में आपको लोकेशन पड़ने वाला है। और फिर साथ ही साथ मैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ, तो अगर आपने बी बीटेक के सिविल या मैकेनिकल से किया 55% मार्क्स के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और इसमें जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और साथ ही साथ मैं इसमें बता दूं, तो आपका जो पर एनम इसमें सैलरी बनने वाला है 7,20,000 रुपया बनने वाला है। और साथ ही साथ मैं इसमें बता दूं, तो आपका जो पर मंथ सैलरी बनने वाला है 70,000 का पर मंथ सैलरी बनेगा, प्लस में हाउस रेंट और एलाउंस चाहिए, मतलब लगभग आपको 75 से 80,000 इसमें भी मिल जाएंगे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सीनियर मैनेजर मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे निकाला गया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। इसका जो लोकेशन होने वाला है आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें साथ ही साथ एजुकेशन जो रहेगा बी बीटेक अगर आपने मैकेनिकल से किया है 55% मार्क्स के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रो मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे देख सकते हो। और इसका जो लोकेशन होने वाला है कर्नाटका में होने वाला है। और साथ ही साथ इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करो, तो जो लोग भी बी बीटेक इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से किए हो 55% मार्क्स के साथ, तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए यहाँ पे निकाला गया है, जो कि आपका जॉब लोकेशन महाराष्ट्र में होने वाला है। साथ ही साथ मैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो अगर आपने CA ICWA MBA 55% मार्क्स के साथ किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सब जो चीज है आप देख सकते हो, पे एंड एलाउंस चार्ज ये सब जो है आप यहाँ पे पढ़ लेना अपना, HRA और PF जो जिसको हम लोग कहते हैं प्रोविडेंट फंड बेनिफिट, वो आपको इसमें मिलने वाला है। मेडिकल फैसिलिटी भी मिलने वाला है 3,000 का पर मंथ, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, अगर 70,000 उसमें लिखा है, तो 75 से 80,000 रुपए सारे चार्ज इसमें जोड़ के आपको दिए जाएंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सिविल वालों के लिए ये सब एक्सपीरियंस आपको आना चाहिए, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। फिर साथ ही साथ मैकेनिकल वालों के लिए ये एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, और साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था। ये सब काम जो है आपको आना चाहिए। फिर आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पे ये काम है, और फिर फाइनेंस के लिए जो लोग भी MBA CA ये सब किए हो, तो उन लोगों के लिए ये काम है, जो कि ये सब काम आपको आना चाहिए। फिर LLB किए हो, तो इन लोगों के लिए ये काम है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि आप लोग अपना देख लेना, जो भी जिस कैटेगरी से आते हो आप अपना यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख लेना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपको वेबसाइट पे जाके और आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग रखा गया है 9 AM से लेके 5:30 PM तक आपको एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इसका जो एप्लीकेशन जो है 22 तारीख से शुरू हो चुका है, और इसका लास्ट डेट जो है 11/5/2022 तक रखा गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपके पास एक ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, जो कि आपका एक्टिव होना चाहिए।
फिर लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका जो फोटो है 40 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। पर्सनल डिटेल में कुछ आपसे पूछा जाएगा तो ये सभी चीज आपको अपने से पढ़ लेना है। फिर लोग आगे बढ़ते हैं तो ये जितने भी चीज दिया गया है और ये सब आपको पढ़ लेना है। प्रोसीड्योर फॉर शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन, ये सब आपको पढ़ लेना है क्या चीज ये सब दिया गया है। फिर लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि प्लेस ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू का जो आपका प्लेस होने वाला है इन सभी स्टेट में आपका होने वाला है, जैसा कि न्यू दिल्ली, कोलकाता, फिर यहाँ पे चेन्नई, ये सब जगह होने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जनरल कंडीशन कुछ दिया गया है, तो ये सभी कंडीशन आपको अच्छे से पढ़ लेना है जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको इस जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप इसके ईमेल पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को जो भी मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया वो क्लियर हो गया होगा। अगर इस जॉब से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं तो नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सिंपली जाके वहां से क्लिक करके डाउनलोड एवं वहां पे अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अभी तक अगर आपने TDP के सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया है तो उसको जरूर जाके फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी का लिंक दे दिया है, तो आपको फॉलो एवं ज्वाइन कर लेना है क्योंकि मैं उस पर सबसे पहले अपडेट देते रहता हूँ, तो वो अपडेट आपको सबसे पहले मिलना चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोग बता दूं तो हमारे इस TDP चैनल पे ऑटोकैड का सीरीज चलाया जाता है, अगर आप उसका भी वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन के सेक्शन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप सिंपली जाके देख सकते हो। और दोस्तों मैं जब इतना मेहनत करता हूं तो आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उन सभी जरूरतमंद इंसानों को जॉब के बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाते चाहते हैं स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।